ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की प्रेरणा से श्री अंजनी हनुमान मंदिर के बगल में स्थित श्री शंकराचार्य कॉलेज मैदान में 27 अप्रैल से पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज द्वारा अपनी ओजस्वी ललित रसमयी एवं मनमोहक वाणी से श्री राम कथा का अमृत वर्षा की जाएगी। कथा का समय शाम 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक का होगा। कथा के दौरान 28 अप्रैल रविवार को शिव विवाह, 30 अप्रैल मंगलवार को श्री राम जन्मोत्सव, 1 जून गुरुवार को सीताराम विवाह महोत्सव, 4 जून रविवार को श्री राम राज्याभिषेक किया जाएगा। श्री राम कथा के आयोजक IP मिश्रा ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी सब परिवार बंधु बांधव सहित प्रतिदिन पधार कर पूज्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जी, हमने ये जो पंडित प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज का बहुत ही अच्छा राम कथा है और आज की तारीख में वो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ही सरस वाणी से वो कथा करते हैं। काफ़ी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और उनकी कथा में काफ़ी भीड़ रहती है। भाई, इनका करीब 2024 तक कंप्लीट बुक है, लेकिन मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा यहाँ पर कथा करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। शहरवासियों से क्या बोल कर, पर मैं चाहता हूँ कि इस कथा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जनता दुर्ग और बिलाई का ले, इसलिए मैं आपके इसके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। 3:30 से 7 बजे तक मेडिकल कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में कथा होगी 27 से 4 जून तक। और ये अपने अभी तक की जो कथाएं हुई हैं या हो रही हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल रामायण आधारित कथा करते हैं और बहुत ही अच्छे कथाकार हैं, देश के विख्यात कथाकारों में से इनका नाम है। इसे इसका लाभ भिलाई और दूर की जनता को मिलना चाहिए।